इस काबिल है कि तालीम दे विच बहुत ज्यादा फास्ट है। नहीं तो ये फिर पूरे पाकिस्तान में कैसे पहुंच रहे हैं? एक बंदा घूमता रहा, सबको पागल बनाया हुआ। हाँ ये कदीर, ये शबीर का सामना है। रिश्ता करने के बाद इनकी हरकतें सामने आना शुरू हो। जब दुआ की जिस रात को साल गिरा, मेरी फॉर्मेशन के मुताबिक दुआ खाती मैसले कर दी कदीर। हाँ मेरा बहनोई। अच्छा ये जो भाई कदीर, ये किन्ने भाई ने टोटल? तीन भाई, शबीर कदीर ते ज़हीर। अच्छा ये उर्दू में बात कर लें ताकि समझ आए मुझे। चलो तो नाम ही समझ आए तो गए पंजाबी जी, तुझे कर दे कोई गल। फिर हमें ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी ना। तीन भाई हैं, इनकी सिस्टर नहीं है, इनके वालिद की डेथ हुई है। अच्छा और इनकी अम्मी। अच्छा इन्होंने वाले साहब जी सो मुलाजम सन पंजाब यूनिवर्सिटी दे। जी जी ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਕੋਈ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਸੀ ਜ਼ਹੀਰ ਜ਼ਹੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋਟਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਰ ਸ਼ਬੀਰ ਔਰ ਇਸਕੀ ਵਾਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ? ਸ਼ਬੀਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕੋਲ, ਐਡਮਿਨ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫਿਸ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਆਫਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। उसके पास रह रहे थे, ऐसी बात है कि नहीं? वो फिर कौन बंदा था जब मस्कर को पकड़ के ले गए, कहते हैं उधर वो कर्नल था, कर्नल ऐसा था बंदा, कुछ अलग नहीं। अभी ये जब पकड़े गए, जहाँ पे पहले बैठे थे या जिधर भी थे, जिस बंदे के घर पास गए हैं पकड़े गए, इन्होंने उससे अगले दिन इनकी वकील से बात हो गई थी, इन्होंने पेश करनी थी बागलपुर। अच्छा जो चुटिया में छापे से पहले मतलब ये शिफ्ट हुए थे, ये इन्होंने बागलपुर पेश करने के दिन पहले गया, इन्होंने वहाँ पे बयान करवाना होगा ना अगर बागलपुर कि किसी कर्नल वगैरह का ये पीछे हाथ होता तो वहाँ पे क्या करने जाते। नहीं तो ये फिर पूरे पाकिस्तान में कैसे पहुंच रहे हैं? एक बंदा घूमता रहा, सबको पागल बनाया हुआ, शबीर, कभी वहाँ की लोकेशन दे कभी वहाँ। अच्छा शबीर वो तो पहले यहाँ से बाइक पे जाता था मैदान का। अच्छा उसने एक बंदे ने पूरे पाकिस्तान। अच्छा मतलब शबीर जो है वो जहीर का फोन लेके मुख्तलिफ जगहों पे घूमता रहा ताकि लोग ये लोकेशन अलग अलग शहर की आए और उनको पागल हो गए, पागल बना यहाँ के कभी वहाँ के। और दूसरी बात ये जो उनका वकील था ना, उसका एक लड़का, उसका उनका रिश्तेदार अरेस्ट हुआ था, आपने वीडियो भी देखी होगी। ये आपका बहन भाई है, आपकी सिस्टर के साथ इसने ऐसे ही किया? ये बंदा जो है जी ये जी, ये शबीर का ससुर है। अच्छा ये शबीर का ससुर है, ताली वाला तीर, ये साथ असगर है, ये असगर है, ये इसके पापा ने इसको जॉब दे रहा है। ये जब मैं ये वीडियो पता कौन सी बता रहे हैं, अब ये कराची की वीडियो, हाँ ये सिटी कोर्ट में जब पेश हुआ, जब मैं पेश हुआ था तब ये दो बंदे साथ बैठे हुए थे, ये यूनिवर्सिटी में होता है ये गवाह। अच्छा ये गवाह उधर आप भी गए थे कराची में इनके पीछे के? शबीर दोस्त है, सही का भाई था।
ये अभी ये गंदा जो है ये कदीर, अब कदीर को छोड़ दिया ना इन्होंने। ये एकताबाद मानसेला का नाम ले रहा था ये लड़का। ये देखे ये खुर्रम राय का रिश्तेदार, ये वसीम है, वसीम है ना इसका नाम। इसको ये जो लड़का छोटा बैठा है ये शबीर का साला है। इन सब लोगों ने ऐसे बोल मारे कि ये है वो किसी का अपनी मर्जी से भी हुआ। ये लड़का है जो इसका नाम है आसिफ, ये इसके घर पे भी है। आसिफ के घर पे भी ये जो पीछे नजर ये वाला लड़का दाढ़ी वाला ये आसिफ की तरह है। ये है पाक पतन और हरीलक्का के दरमियान है चक चाली एस पी जो कहा पर रैशी है। इसकी सिस्टर की शादी हुई थी जहीर के चाचू के साथ और जहीर के चाचू ने उसको डिवोर्स ले लिया। इसका नाम आसिफ बताया इसकी नाम आसिफ ये है अपना पास है ये बंदा जो है ना ये डॉक्टर है। हाँ ये डॉक्टर पढ़ाया था। ये डॉक्टर का क्या काम था? ये डॉक्टर जो गवाह है ना वो क्या नाम है उसका बोल रहे हैं असगर और शबीर। हाँ इसका नाम है। अच्छा ये भी मेरा ख्याल सारे मामले में साथ था ये डॉक्टर। हाँ ये बता रहे मैं गवाह में उसका नाम ये चाचू है। ये शबीर का चाचू है जहांगीर जिसने डीबीओ को पेश किया। ठीक हो गया। ये क्या करता है? ये वहाँ पे नौकरी करता है। पेश बोल रहा है ना ये इसका ये लोग रहते किधर आ रहा उधर से हरी लखा कौन सी जगह रहते हैं? ये हरी लखा शहर के अंदर। अच्छा अभी भी तो रहते हैं क्या? फरार फरूर होगा अब कहाँ होंगे? बस मामला खत्म हो गया उनके लिए। हाँ बात तो ठीक सही बात। तो इन्होंने कोई पता है आपके साथ भी इन्होंने ऐसे किया जो इनके साथ किया? असल में मसला ये था कि 4 साल पहले की बात है मेरी और मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। सही है। तो जो मेरी सिस्टर है वो एक है इनके जो वाले साहब है ना जितनी उनकी तारीफ बंदा करे ना उतनी कम है। इतने अच्छे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है वो लेके आए थे मेरी अम्मी से तब मेरी सिस्टर की उम्र थी 5 साल। ठीक है तुम्हारी बेटी नहीं हम इसे बेटी बना के रखेंगे पढ़ाएंगे साथ यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही है। ठीक है तो जब उसने उनकी डेथ हो गई थी मेरी सिस्टर की उम्र थी 13 साल। ठीक है तो मैं अब सिस्टर को लेके वापस चला गया था। पहले तो मतलब मैं भी छोटा था नहीं इतनी चीज़ें पता थी। ठीक है मैं लेके वापस चला गया उसकी डेथ हो गई अरसा गुजर गया फिर इसकी अम्मी और शबीर गए वहाँ पे हम लोगों से रिश्ता लेने के लिए। ठीक है मेरे कुछ अपने मामलात मेरी पहले एक शादी हुई थी इस तरह के थे कि मैं अब सोच रहा था कि मैं अपने घर वालों को प्रेशर डालता हूँ तो आप इधर ना करेंगे तो नहीं बनेगा काम या लोग अच्छे नहीं है। ठीक है इनका वालिद था वो मर गया बस बाकी काम बिगड़ा हुआ है। ठीक है तो मैंने सोचा कल को क्या पता कि मैं ये इधर नहीं करते कहीं और करेंगे बहन तो मेरी है वहाँ पे नहीं बनता तो मेरी माँ सोचेगी ठीक है इसने अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया। ठीक है मैं चुप हूँ रिश्ता कर लिया। रिश्ता करने के बाद इनकी हरकतें सामने आना शुरू हो तब तक ये रहते थे शीर्षक एक अपना प्लॉट था 3 मरले पर। अच्छा वहाँ पे ऐसी जहाँ पुलिस ने रेड किया था इन्होंने सेल कर दिया वो भेज दिया वो इन्होंने भेज दिया था। ठीक है तो उसके बाद इन्होंने हरकतें शुरू कर दी फिर हमारा वहाँ पे इनका जो बड़ा मामूला हमारा भी वहाँ
ठीक है उसके हाँ हम लोगों ने मैंने अपने भाई छोटे का रिश्ता किया वहाँ से बात बिगड़ गई। तो ये अब आपने आखिरी दफा आपने करवाया था गिरफ्तार इनको और आपकी नौकरी भी आपको सारा पता नहीं था इन्होंने क्या ये डॉक्टर जो है ये लड़की को कोई ऐसी चीजें नशा और चीजें तो नहीं देता रहा फिर ये डॉक्टर का क्या कर लेता ना कुछ नशा और चीज है ना ये वो ये सब कहानी है ठीक है लड़की अपनी मर्जी से उसने ये काम किया लड़की के वालिद को कुछ पता नहीं इसका तो रब्ता कैसे हुआ सही वहाँ से कैसे आई है इस इनका पहले तो पबजी से रब्ता था ठीक है सुनने लगे फिर इसका चाचा वगैरह जा रहे थे नहीं पहले ये मतलब वहाँ पर रिश्ता लेने के लिए जा रहे थे अच्छा ठीक है तो वहाँ पे मेरे घर में पहुँच गए हैं जो इनके अबू का चाचा है ना वो रैश कराची गया वहाँ पे इनके रिश्तेदार भी कराची में कराची ठीक है ठीक उसका क्या नाम है उनका नाम तो मुझे नहीं आता कभी आज तक मुलाकात नहीं कर दिया नहीं इसको दुआ जारा को लेकर केस है वो तो बोल रही मैं टैक्सी में बैठ के आई ये अब कन्फर्म नहीं है लेकिन मुझे मेरा जहाँ तक शक जाता है 100% वो शबीर ही जा सकता है जहीर इतना वो गाड़ी पूरी चला लेता है नहीं गाड़ी नहीं चला जो बंदा यहाँ से बाइक पे लगान का काम जा सकता है हाँ वो कुछ भी कर सकता कराची तो ये है बड़ा शहर है जी खुर्रम पर राय जो है इसका क्या किरदार है इसमें जो इनका वकील है ये जो ये असल में यूनिवर्सिटी में मुलाजिम है ना यूनिवर्सिटी में तंजीमें होती हैं ठीक है जब पुलिस ने रेड करना चाहा उससे पहले जब नहीं ये सारा पता चल रहा था ना तो मैंने ये इसमें भी सपोर्ट की थी कि आप छानबीन करनी है तो यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफिस से जाना पड़ेगा आपको सब कुछ ही मिल जाएगा भागने की जरूरत नहीं है। तो ये यूनिवर्सिटी में कौन सी जगह बैठे हुए यूनिवर्सिटी में जितने प्रोफेसरों के घर हैं बंदा 10-12 साल से वहाँ पर ऐसी है वो तो हर बंदे को जानते हैं क्योंकि लोगों के घरों में काम करते थे ठीक है कभी वो वहाँ पे ठहर गए कभी वहाँ पे ठहर गए सही बात नहीं जब इन्होंने अच्छा तो तंजीमें वगैरह भी इनका साथ दे रही थी यूनिवर्सिटी एक बंदा वहाँ का मुलाजिम है यूनिवर्सिटी उसकी सपोर्ट करेगी या हमारी करेगी हाँ जारी बात उनकी करेगी तो ये फिर जब यहाँ से गए हैं तो उधर बाहुल नगर वाली साइड भी फिरते रहे या इधर भी कहीं फिरते रहे लाहौर के अंदर भी छुपते ये लाहौर के अंदर भी थे ज्यादातर ये थे 40 SP में अच्छा उधर किसके बाद रहते रहे वहाँ पे एक बंदे का नाम है आसान शख्स का नाम मुझे बोल जाता वो मतलब इनके अबू के चाचू का बेटा है उसका वहाँ पे घर पड़ा हुआ है उसने तो रिहाइश कहीं और शिफ्टिंग कर ली है जब दुआ की जिस रात को साल गिरा थी मेरी फॉर्मेशन के मुताबिक दुआ खाती है नैसरे का दही तो वहाँ पे दही नहीं मिला था ये दही ढूंढने लगे हुए थे शहरों